हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। आज की जो नई वीडियो है हमारी, वो है हमारी हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसके ऊपर हमारी आज की वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या, पहले सबसे पहले हम यही बात करेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। तो जहाँ से मैं इस व्लॉग को आपको समझाने वाली हूँ, वो हमारी खुद की वेबसाइट है। आप सिंपली गूगल पर जाके सर्च करेंगे। जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से कनेक्ट है, उन्हें पता है कि हमारी वेबसाइट क्या है डोमेन। तो हमें आप जो न्यू है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आप गूगल पे जाके लीगल टैक्स डॉट इन सर्च करेंगे। तो ये हमारी वीडियो है, फर्स्ट पेज ये है इसका। इसमें हम क्या क्या मेंशन कर रखा है, हमने हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। टैक्सेस में हमारी सर्विसेज हो गई, जैसे कि हम प्रोपराइटरशिप जो रजिस्ट्रेशन होता है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हो गया, LLP रजिस्ट्रेशन हो गया, वन पर्सन हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो इसके लाइसेंस होते हैं, GST हो गया, MSME हो गया, जैम रजिस्ट्रेशन हो गया, ISO हो गया, फूड हो गया, ये सारी लाइसेंस हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ IPR जो सर्विसेज है, वो जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन, रिन्यूअल, अपोज, ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रोवाइड कराते हैं। लीगल सर्विसेज हो जाती हैं आपकी, मैरिज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे रिलेटेड, इन सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी या कोई भी आपका क्वेश्चन होता है या कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप जो हमारी यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी मेल आई डी यहाँ पर मैंशन है, नंबर मैंशन है, या सिंपली आप हमसे यहाँ पर चैट कर सकते हैं, मेल या कॉल्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से वीडियो पर आ जाते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क के लिए, कि ट्रेडमार्क क्या होता है। इन रिसेंट ईयर्स ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हैज़ इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एज अ बिजनेस टेक इट सिक्योर एंड प्रोटेक्ट देयर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट। जो भी अभी रिसेंट ईयर चल रहा है उसमें क्या है कि जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी में चल रहा है। इससे क्या होता है कि आपके जो बिज़नेस को है वो सिक्योर करता है और आपके ब्रांड को ये प्रोटेक्ट करता है और एक आइडेंटिफाई दे देता है, आइडेंटिटी दे देता है आपके ब्रांड को। एवरी प्रोप्राइटरशिप आर स्मॉलर कंपनीज एंड फॉर्म्स अप्लाइंग फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नाउ डेज एज इट्स बेनिफिट दैम आर टारगेटिंग देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। हाउएवर देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर ओनर नीड टू कंसिडर बिफोर ऑप्टिंग फ्रॉम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब क्या है कि जो भी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी होती है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, वो क्या कर रही है आजकल जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रही है। इससे क्या होता है कि इससे बेनिफिट होता है कि जो आप मार्केटिंग एफर्ट्स है उस पर ज़्यादा टारगेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपका क्या होता है कि कंसिडर करना पड़ता है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म रिक्वायर्स डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन रिव्यू एंड इन सम केसेस अपोजिशन। हियर इज अ लुक एट एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया। बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं, आपके एप्लीकेशन की अलग अलग स्टेजेस होती है, रिव्यू होता है, सम केसेस में आपके अपोजिशन आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सबको ही पता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बट फिर भी छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। और ट्रेडमार्क इज़ अ वर्ड, इमेज और सिंबल दैट अ बिजनेस यूज टू प्रेजेंट इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स। ओवर टाइम सच लोगो सिंबल्स बिकम ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस ब्रांड आइडेंटिफाई बिकमिंग हाईली वैल्यू टू कंपनी। एवरीथिंग फ्रॉम कंपनी नेम टू अ लोगो और कलर पैलेट यूज बाय कंपनी कैन बी कंसिडर अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक वर्ड भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, आपके सिंबल हो सकते हैं, जो आपके जो ब्रांड है, आपके जो सर्विसेज हैं उसको कॉम्पिटिटर से डिफरेंट दिखाएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो एक अलग आइडेंटिफाई आपको मिल जाती है। कंपनी क्या करती है, कोई लोगो सिलेक्ट कर लेती है, कोई नेम सेलेक्ट कर लेती है, कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकती है अपने ट्रेडमार्क को कंसिडर करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच कंपनी अश्योर दैट सच सिंबल्स एंड नेम्स रिमेन यूनिक टू दैम। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क हेल्प प्रिवेंट अदर कंपनी फ्रॉम कॉपिंग देयर नेम लोगो और सिंबल एंड लेडिंग कस्टमर टू बिलीव दैट दे आर सेम ब्रांड। इन टूडेज हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हेल्प्स फर्म एंड कंपनी टू प्रैक्टिस देयर ब्रांड आइडेंटिफाई विजिबिलिटी। तो जो ट्रेडमार्क है वो आजकल लीगल प्रोसेस हो गया। ये क्या करता है कि जो आपका जो आप जैसे बिजनेस जो भी प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही वो प्रोवाइड करा रहे हैं,
मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अच्छा प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, जो कि आपका ट्रेडमार्क की वजह से है। ठीक है, यही कि आपको कस्टमर आपको सिर्फ आपके लोगो, सिंबल और नेम से ही जान सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, क्यों पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का? इनेबल बिजनेस टू इजीली डिफरमेंट दैमसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, यही है सबसे पहला कि आपका जो बिजनेस है वो आपके कॉम्पिटिटर से अलग दिखाता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हेल्प इन मेकिंग द मार्क्स एंड एसेट्स ऑफ कंपनी, यही कि आपका जो कंपनी है उसके एसेट्स को बढ़ाता है। आल्सो प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज एंड डुप्लीकेट अंडर द इंडियन लॉ, अगर कोई आपका जो है मिसयूज कर रहा है आपके नाम का या आपका डुप्लीकेट यूज कर रहा है मार्केट में, तो आप उससे क्या कर सकते हो, लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हो। ग्रैंड एक्सक्लूसिव नेशन वाइड ओवरशिप ऑफ द मार्क ऑफ ओनर हेल्प्स यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, मेकिंग ईजियर फॉर यू टू मार्केट योर प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ ब्रांड, इंक्रीज योर बिजनेस वैल्यू क्रेडेंशियल इन द इंडियन मार्केट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ यू वॉन्ट टू एक्सपेंड योर बिजनेस विद इन इंडिया। ये कि जो आपका जो ब्रांड है मार्केट में कॉम्पिटिटर से बचाता है, आपका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को एक नाम देता है, और जो आपका जो बिजनेस है उसको इंडिया मार्केट में इंक्रीज कराता है, आपकी जो सेल है वो इंक्रीज कराता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इंडिया और फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हु कैन फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, कौन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? ट्रेडमार्क अ टाइप ऑफ इंटिक्यूलर प्रॉपर्टी आर अ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंफ्रिंजमेंट थ्रू द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। आपको पता है कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है। देयरफॉर एनी लीगल एंटिटी और इंडिविजुअल इज एंटाइल्ड टू फाइल अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। यू डोंट नीड टू बी अ कंपनी ऑनर और अ बिजनेस एंटाइल्ड टू फाइल अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन इंडिया। अगर आप एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी के ऑनर हो सकते हैं या फिर आप किसी बिजनेस को चला रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई भी जो पर्सन है वो यूज़ कर सकता है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आल्सो द पर्सन और लीगल एंटिटी कैन बी इंडियन, ऑर्गन और फॉरेन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैन आल्सो बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंटिटी ऑफ ट्रेडमार्क दे आर प्लानिंग यूज इन फ्यूचर एज पर इंडिया लॉ द एंटिटी दैट कैन बी फाइल्ड अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन। कोई भी सिंपल पर्सन भी, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप ये पर्सन भी क्या है, ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं किसी कंपनी का ऑनर होना या पार्टनरशिप फर्म का होना, तो कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को नाम देने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कुछ क्या क्या चीज़ें होती है देखते हैं। देखिए, जॉइंट ऑनर ऑफ अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक और सिक्योरिटी सोसाइटी और ट्रस्ट, इंडिविजुअल, प्राइवेट पर्सन, इनमें से कोई भी हो सकता है जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फाइल और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इंडिया फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने जो बिजनेस का है, ब्रांड का है, कोई नाम सोचते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो कोई एक वो लेटर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई ग्राफिक हो सकती है, कोई लोगो हो सकती है, कोई बॉयज हो सकती है, कोई मिक्स ऑफ कलर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये जो वीडियो है अगर इसमें अगर आप कोई भी चीज़ आपको मेरी साइड से क्लियर नहीं है तो आप खुद भी जाके स्टडी कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि लीगल टैक्स डॉट इन आप डालेंगे गूगल पे तो आपको सिंपली ये फेस नज़र आ जाएगा। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म विल बी वैलिड फॉर 10 years फॉर द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया। द ऑनर ऑफ द मार्क शेल अप्लाई फॉर रिन्यूअल बिफोर द एंड ऑफ दिस पीरियड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एक्सक्लूसिव इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्क। आप सभी को पता है कि जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है तो वो 10 years के लिए वैलिडेट हो जाता है इंडिया में, तो उसको अगर आपको दोबारा से इट्स यूजेज में यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो रिन्यूअल डेट है उससे पहले ही आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। एप्लीकेशन कैन स्टार्ट प्लेसिंग द TM सिंबल इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, ब्रांड सिंबल और लोगो आफ्टर अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क ऑनलाइन विद द गवर्नमेंट। द TM सिंबल इज सिग्नल टू कॉम्पिटिटर दैट योर बिजनेस हैज फाइल्ड अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड वेटिंग अप्रूवल। जब आप अपने ब्रांड का कोई नाम सोचते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने आज अप्लाई कर दिया है, तो आप अप्लाई करने के बाद ही आप अपने जो नाम है उसमें TM यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो आपका सामने वाला कॉम्पिटिटर है उसको पता चले कि आपने अपने नाम को ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है, बस आप उसके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं।
वंस अ बिजनेस हैज अचीव अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इट कैन बीइंग यूजिंग द आर सिंबल नेक्स्ट टू इट्स मार्क द आर सिंबल सिग्निफाई दैट योर नेम लोगो और ब्रांड हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द आईपी लॉ ऑफ इंडिया गिविंग योर एक्सक्लूसिव ओवर इट. जब आपका जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जब आप सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसमें क्या होता है कि आप अपने नाम में आर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिंपली आपको लोगों को पता चले कि जो आपका नाम है या जो भी आपका ब्रांड का लोगो नेम है वो रजिस्टर्ड हो चुका है. इट मे टेक 6 or 12 months टू अचीव द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. वंस यू फाइल द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्टनरशिप फर्म The time taken depends on whether the application have been objected or opposed by third party. जब आप पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसका बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है वो 6 to 12 months होता है. इसी के बीच में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आना होता है या अपोज आना होता है तो ये आपको सिंपली इसी बीच में पता चल जाता है. अदरवाइज कोई ऑब्जेक्शन या कोई अपोज नहीं आने वाला है थर्ड पार्टी से तो आपका सिंपली रजिस्टर होकर आपको शो जाएगा कि इट्स एक्सेप्टेड. द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चार्ज बिटवीन 4,500 and 9,000 फॉर इंडिविजुअल स्मॉल प्रोप्राइटरशिप एंड स्मॉल इंटरप्राइज द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री फी इज 4,500. हाउएवर फॉर मोस्ट अदर इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फॉर्म ट्रेडमार्क फी इज 9,000. अगर आपके पास MSME है या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 4,500 है. अदरवाइज़ जो अदर इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी जो फीस है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो 9,000 है. हाउ टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क. फर्स्ट एप्लीकेंट मस्ट टेकन एक्सक्लूसिव एंड डिस्टिंक्ट ट्रेडमार्क ऑफ रिप्रेजेंट देयर कंपनी. सबसे पहले आपका जो एप्लीकेंट है उसको यही कलेक्ट करना है, डिस्कंटिन्यू करना है कि जो आपकी कंपनी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी आपके ट्रेडमार्क को. नेक्स्ट दे मस्ट कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई विच क्लास देयर ट्रेडमार्क बिलोंग आउट ऑफ 45 क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका जो लीगल एक्सपर्ट है उसे आइडेंटिफाई करो कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पता है कि ट्रेडमार्क की 45 क्लासेस होती है तो आपका जो गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं लोगों को वो कौन से क्लास में मेंशन होता है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है. देन टू प्रिवेंट इंफ्रिंजमेंट एंड अपोजिशन एप्लीकेंट शुड कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्च टू चेक वेदर देयर चूजन मार्क इज सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड मार्क. जैसे कि अगर आपने कोई नाम चूज कर लिया है उसके बाद आपका थर्ड स्टेप ये होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें कि कोई और पर्सन ऑलरेडी इस नाम को यूज़ कर तो नहीं रहा है या इसका कोई सिमिलर मिलता जुलता तो नहीं है. अगर ऐसा होता है तो आपका ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, फिर उसका लंबा प्रोसेस होता है. तो यही सारी चीज़ें आप पहले से चेक कर लेंगे तो आपका जो वे है वो सिंपली हो जाएगा. Once they are convinced that their mark is unique, applicant can file an application for trademark registration either under a singular class or a collective trademark under multiple classes. जब आपको ये हो जाएगा कन्फर्म कि जो आपका मार्क है या आपका जो लोगो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई जो करने वाले हैं वो यूनिक है तो फिर आप सिंपली उसको रजिस्टर कर सकते हैं. आपको 100% श्योर हो जाए कि ये कोई यूज़ नहीं कर रहा है या ये यूनिक है तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा. देयरफॉर आफ्टर द रजिस्ट्रार विल चेक योर एप्लीकेशन वेरीफाई ऑल द डिटेल्स गिवन दे विल देन एग्जामिन द मार्क टू अश्योर दैट इट डज नॉट इनफिगर एंड एनी प्रोसेस मार्क्स. फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है वो आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई करता है कि आपने सही एप्लीकेशन में सही से डिटेल्स डाली है नहीं, यानी कि आपने क्लास सही डाली है या आपका जो नाम है वो किसी से मिलता जुलता तो नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन है कोई अपोज तो नहीं होने वाला है. ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार से चेक होती हैं. After the pre-event verification, the registrar will publish the mark in the Indian Trademark Journal. If no protest arises within 3 months, your mark will be approved and you will receive a certificate of trademark registrar. जब रजिस्टर चेक कर लेता है वो सिंपली पब्लिश कर देता है ट्रेडमार्क के जो जर्नल्स होते हैं उसमें. अगर आप कोई भी इशू नहीं आता है तो 3 months के अंदर आपका अप्रूव हो जाता है आपका ट्रेडमार्क और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है. अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन अपोज आने होता है तो उसका प्रोसेस फिर लंबा चले जाता है. However, in case of objection, there is need to visit and attend the hearing and certify the brand that your mark is different from other and eligible for a trademark. मान लीजिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आपके बाद उसको क्या होता है, आपको फिर उसकी हियरिंग अटेंड करनी पड़ती है, फिर आपको रजिस्ट्रार या ऑफिसर्स को शो करना पड़ता है कि जो आपका ट्रेडमार्क आपने यूज़ करा है वो औरों से कैसे अलग है.
उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के लिए? आपका लोगो की कॉपी हो गया, साइन ऑथोराइज फॉर्म 48 हो गया, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इफ़ यू नीड लेस रजिस्ट्रेशन फी, पार्टनरशिप डीड हो गए, आईडी प्रूफ हो गए, अदर एड्रेस प्रूफ हो गए। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली जो आपका लोगो है, साइन ऑथराइज्ड फॉर्म 48 हो गया आपका। अगर आपके पास एमएसएमई है तो आपकी जो फीस है वो 9000 से कम हो जाएगी, 4500 हो जाएगी। उसके बाद आपकी पार्टनरशिप डीड हो गई और जो आपकी आईडीज हो गई वो लगती है। हाउ लीगल टेक्स कैन हेल्प यू ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन? तो अगर आप हमारे थ्रू भी करना चाहते हैं तो क्या क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए, आप खुद भी यहाँ पर सिंपली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं भी आपको बता रही थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फंड कैन बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, हैंस इट इज एडवाइज टू टेक अ हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल लॉयर्स इन फिलिंग द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। एडिशनल लीगल टैक्स ऑफर्स अ नंबर ऑफ आईपी राइट्स रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हाउ। तो यही सारी चीज़ें कि बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, कुछ कुछ डिफिकल्ट भी आती है आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसी चीज़ के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सारी, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उसकी क्लास पता होनी चाहिए। अगर आप गलत क्लास में करते हैं तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई नाम सजेस्ट करें या कोई अप्लाई करें तो उसको चेक करना कि वो यूनिक है या नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन ये सारी चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो उस चीज़ के लिए हम हेल्प करते हैं। तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडमार्क की हमारे से सर्विसेज लेनी है तो आपको, जैसे मैंने आपको पहले पेज बताया था, यहाँ पे हमने मेल भी शो कर रखा है, नंबर भी शेयर कर रखा है। या आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो आप सिंपली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जब आप उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क किस तरीके का हो सकता है, या कुछ थिंग्स थी जो आपको ज़रूरी थी, क्या टीएम होता है, क्या आर सिंबल का वो होता है, तो ये सारी चीज़ें थी हमने इस वीडियो में बात करी थी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी थैंक यू सो मच। Thank you.